ब्रह्मा जी के मानस पुत्र छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। कर्दम ऋषि ने स्वयंभू मनु की द्वितीय कन्या देवहूति से विवाह करके 9 कन्या तथा 1 पुत्र की उत्पत्ति की थी। 9 कन्याओं का नाम कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति तथा पुत्र का नाम कपिल था। ये कपिल वही कपिल हैं जो खुद भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं। ये 24 अवतारों के क्रम में शामिल हैं। कर्दम ऋषि ने विवाह से पहले सतयुग में सरस्वती नदी के किनारे भगवान श्री हरि विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ जन्मे थे। कर्दम ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें देवहूति से विवाह करने को कहा था। स्वयंभू मनु एक दिन देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम गए। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा तो आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, ये आपके लिए ही आसन बिछाया गया है, आप यहाँ पर बैठ जाइए। देवहूति ने सोचा कि मैं अपने होने वाले पति के सामने उनके बिछाए आसन पर कैसे बैठ सकती हूँ, और नहीं बैठूंगी तो उनका अपमान होगा। यह सोचकर वह आसन पर अपना दाहिना हाथ रखकर आसन के पास ही बैठ गई। यह देखकर कर्दम ऋषि ने सोचा कि कन्या विवाह के लायक तो हो गई है, इससे विवाह किया जा सकता है। इस तरह उनका विवाह हुआ, लेकिन कर्दम ऋषि ने शर्त रख दी कि पुत्र होने के बाद वे ब्रह्मचर्य धारण करके संन्यास ले लेंगे। यह सुनकर भी देवहूति ने विवाह के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि जिन ऋषि को भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए हैं, उनके साथ कुछ समय रहना ही सौभाग्य की बात है। कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का जन्म और 1 पुत्र का जन्म भी बड़ी विचित्र परिस्थिति में हुआ था। कहते हैं कि कर्दम ऋषि भूल ही गए थे कि उनका विवाह हुआ है। वे आश्रम में रहकर सन्यासियों के जैसा जीवन जी रहे थे। देवहूति उनकी सेवा करती थी। एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? देवहूति ने कहा कि स्वामी, आप भूल गए हैं कि आपने मुझे वचन दिया था, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर कर्दम ऋषि ने योग बल से एक विमान का निर्माण किया, जिसमें कई कमरे थे। सेवा करने के लिए कई दासियां भी थी। दोनों उसमें सवार होकर चले गए। विमान धरती का भ्रमण करता रहा। विमान में ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति ने कहा कि स्वामी, आपको संन्यास लेने से कौन रोक सकता है, लेकिन अभी भी आपका वचन पूरा नहीं हुआ। आपने पुत्र प्राप्त के बाद संन्यास लेने को कहा था, और अब इन कन्याओं के विवाह भी तो करना है। इस तरह कर्दम ऋषि फिर से संसार में उलझ गए। कहते हैं कि कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति तथा शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा से संपन्न हुआ था।